स्त्री अभियान के अंतर्गत महिला समूहों व सीमावर्ती कार्यकर्ताओं को बेटियों के संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या व गिरते लिंग अनुपात को रोकने के उद्देश्य से बिपाशा सदन मंडी में एक दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला भर से 800 महिला मंडल प्रतिनिधियों व 400 मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति की महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने उपस्थित महिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं समाज और देश के विकास व दिशा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ महिलाओं के आत्मसम्मान व विश्वास में वृद्धि करना है और उन्हें स्त्री अभियान के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति के कारण ही मंडी जिला खुला शौच मुक्त जिला बना है तथा स्कूल स्वच्छता का गौरव भी प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि महिलाओं के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला मंडी को शामिल किया गया है और जिला मंडी में हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम हमने स्त्री दिया हुआ है। ये महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं द्वारा बदलाव लाना, ये इसका उद्देश्य है। इस कड़ी में आज एक प्रशिक्षण शिविर सभी महिला मंडलों के लिए यहाँ पर मंडी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी सभी महिला मंडलों को दी जा रही है। ये एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ये अभियान महिला मंडल के माध्यम से चलाया जाएगा और ये अभियान 3 महीने के लिए हम चला रहे हैं। फरवरी के आखिर में इसका मूल्यांकन करके जो सबसे अच्छी गतिविधियां इसमें जिन्होंने की होगी उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा चोलथरा पंचायत के सरौन गांव के दिव्या महिला मंडल द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर तैयार किए गए गाने का विमोचन भी किया। इसके अतिरिक्त 100 से ज्यादा जीवन ज्योति व जीवन रक्षा के बीमे खाते खोलने वाली सराज की दूलो देवी, मझोटी महिला मंडल की डोलमा देवी तथा थाची बाली चौकी की शकुंतला देवी को उपायुक्त द्वारा सम्मानित भी किया गया।